क्लास टुडे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, बट क्वेश्चंस आपके नॉट स्पेसिफिकली मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पर्पस के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैं शेयर कर देती हूँ आपको स्क्रीन पे, ताकि आप लोग रीड कर पाए। इमेज है, तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, छोटा पैसेज लग रहा है, तो स्क्रीन पे आपको जूम करना होगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं यहाँ से जूम करूंगी तो आपको पूरा पैसेज एक साथ नहीं दिखेगा। तो आप अपना स्क्रीन जूम कर लीजिए। आराम से टाइम लीजिए, इसको रीड करिए, अच्छे से पैसेज को समझिए कि क्या लिखना चाह रहा है पैसेज में। अब क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन रहेंगे। नाउ बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। पैसेज के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में आए, पैसेज का जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपका पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो आसान है, आपको एक बार पढ़ने में सब कुछ समझ में आ जा रहा है, याद हो जा रहा है, छोटा सा है, तो हमेशा ये सोचिएगा कि कभी भी वो आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि उसके क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, क्या यहाँ पर लिखा चाह रहा है, किस बारे में बात हो रही है, एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हो, तो उसमें क्वेश्चंस आसान आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, उस एक्चुअल लाइंस को जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा गया है उन लाइंस को लेकर ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो वहां पर सॉल्व करना आसान होता है। वहां पर आपको सिर्फ पैसेज सामने रखना होगा, ताकि आप वहां पर रेफर बैक कर सके, बार बार क्वेश्चन पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन में खोज सके कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो अकॉर्डिंगली रीड द पैसेज। पैसेज अगर आसान लग रहा है तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन भी आसान होंगे, क्वेश्चन हमेशा टफ रहते हैं जब आपका पैसेज आसान रहता है, और अगर पैसेज आसान नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपके टफ नहीं रहेंगे, टफ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास टाइम है, यू कैन रीड द पैसेज। आई एम गिविंग यू 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes में पैसेज रीड करिए, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 10 to 15 minutes के बाद जब सबको रीड कर लेगा, उसके बाद मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूंगी आपको तीनों पैराग्राफ्स का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ट्राई टू कीप योर माइक म्यूटेड। ठीक है, माइक अपने म्यूट करके रखिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। Okay, so you have more than enough time to read, and after 1:35 pe ya one abhi join kiya hai, abhi turant join kiya hai, unko main fir se bata deti hu, hum log yahan pe comprehension passage kar rahe hain, ye aapka comprehension passage hai, isko padhiye, usko samajhiye, uske baad I will share the questions further future purpose ke liye jab questions dikhaungi, uske liye aap yahan par screenshot rakhiyega iska passage ka, taki aap refer back kar sake, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बाद में जाके देख सके कि पैसेज में उसके बारे में क्या लिखा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिएगा, पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से। 10 मिनट दे रही हूँ मैं अच्छे से पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। वन बाय वन एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ पर एक एक पैराग्राफ में स्टार्ट कर रही हूँ एक्सप्लेन करना। जिसने रीड कर लिया दैट इज वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है वो एक बार सुन लो, ताकि आप ब्रीफली क्वेश्चन कर पाओ आंसर।
ठीक है, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बताया जा रहा है दैट देयर वाज समथिंग द पीपल वर प्रोटेस्टिंग समथिंग। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना मतलब किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। कोई एक रूलिंग है या कोई एक यहाँ पर फैक्टर हो रहा है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर किसी गवर्नमेंट इशू के अगेंस्ट वो लोग जा रहे थे। क्या जा रहे थे वहां पर? रेजिडेंस। वो रेजिडेंस का मतलब अगर नहीं पता फिर से बता दो, रेजिडेंस मतलब जो वहाँ रहते हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, जिनका अपना घर है, बेसिकली फॉर एवरी डे लाइफ दे आर लिविंग देयर, ठीक है, जो बेसिकली वहां पर अभी रह रहे हैं। तो रेजिडेंस मतलब जो रह रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 14,000 ट्रीज को काटने के लिए, ठीक है। साउथ दिल्ली में 14,000 ट्रीज को काटने का एक लीगल वारंट था जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, अप्रूव किया था, ठीक है। फेस्ड विद सीवियर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। इस वजह से नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो है उसने क्या किया, टास्क इज रीडेवलपिंग हाफ अ डजन साउथ दिल्ली कॉलोनीज। उन्होंने उनको ये टास्क दिया गया कि साउथ दिल्ली की जो कॉलोनीज हैं, हाफ अ डजन कॉलोनी मतलब कि 6 कॉलोनीज को वहां पर रीडेवलपमेंट का काम वहां पर दिया गया, ठीक है। ऑन मंडे अश्योर्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट नो ट्रीज वुड बी कट फॉर द प्रोजेक्ट टिल जुलाई। मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया कि आप लोग जो हैं 4 जुलाई से पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, 4 जुलाई से पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए यू कैन नॉट कट द ट्रीज, ठीक है। आप ट्रीज को नहीं कट कर सकते हो 4 जुलाई से पहले। विच इज टेम्पररी रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ मतलब अभी तक के लिए रिलीफ था, ठीक है। ये परमानेंट नहीं हुआ था कि 14,000 ट्रीज को नहीं काटा जाएगा। टेम्पररी उनके पास एक रिलीफ मिला कि 4 जुलाई तक आपको नहीं काटना है किसी को भी। मेनी ऑफ द ट्रीज प्रपोज टू बी फेल्ड आर मैच्योर लोकल फ्रूट बेयरिंग वंस दैट प्रोवाइड्स clean air, shed and water recharge to humans and are home to many birds. ऐसा माना जा रहा था, यहाँ पर बहुत सारे information according to a lot of data, research and survey, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो trees हैं यहाँ पर 14,000 जो trees हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे trees थे जो कि mature थे। mature यानी कि इस stage पे थे जहाँ पर उनके ऊपर fruits आ रहे थे। जैसे आप नॉर्मल कोई भी पेड़ लगाते हैं घर में तो एक मैच्योरिटी पीरियड का एक टाइम होता है, ठीक है, एक कुछ ड्यूरेशन होता है जिसके बाद वो इतना बड़ा होता है या इतना स्टेबल रहता है कि वो फ्रूट दे सके, ठीक है। हर ट्री का अपना एक लाइफ स्पैन होता है जहाँ पर वो मैच्योरिटी रीच करता है। तो मैच्योर थे बहुत सारे ट्रीज, जो 14,000 ट्रीज थे उनमें से बहुत सारे ट्रीज जो थे वो मैच्योर थे, यानी कि उस एज पे थे जहाँ पर वो फ्रूट्स दे सकते थे और वहां पर क्लीन एयर, शेड और वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा वो मीडियम थे, प्लस बहुत सारे बर्ड्स का घर भी था वो, ठीक है। देयर आर दीज एरियाज ऑफ दिल्ली हैव सर्व एज द लंग्स ऑफ द सिटी, ठीक है। यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, लंग्स ऑफ द सिटी मतलब वो जो पर्टिकुलर साउथ दिल्ली का एरिया था वो उन एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पर बची कुची वेजिटेशन बचे हुए हैं जो कि एज द लंग्स ऑफ द सिटी मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का मेन सोर्स है वहां पर। दिल्ली में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं, इतना ज्यादा वहां पर घर रेजिडेंस बने हुए हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वेजिटेशन बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है दिल्ली में। तो दिल्ली में वो एरिया जहाँ से 14,000 ट्रीज कट करने का वहां पर गवर्नमेंट ने अलाउंस दिया था, अप्रूवल दिया था, वो उन एरियाज में से आता था जो कि एक्चुअल में वहां पर लीगल वेजिटेशन वहां पर थे जो कि नहीं अभी तक काटे गए थे। सो दे वर द लंग्स ऑफ द सिटी मतलब दे वर द मेन प्रोवाइडर्स ऑफ द एजुकेशन, सॉरी ऑक्सीजन। हाउएवर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवरले दीज क्वालिटीज, इसका मतलब कि जो प्रोजेक्ट था जिसके वजह से उन 14,000
ट्रीज को काटा जा रहा था, उन प्रोजेक्ट्स की क्वालिटीज जो थी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बता सकते हैं या फिर प्रोमिनेंट बता सकते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर प्रोमिनेंट थी, उनके प्रॉफिटेबल थी, बहुत अच्छी थी, उनकी क्वालिटीज इतनी अच्छी थी कि वहां पर जो ट्रीज की वैल्यू है वो कम हो गई. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज अलाउड द पीपल और द कंस्ट्रक्शन कंपनी टू कट दोस 14,000 ट्रीज. फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को भी कोई डाउट? पैसेज के पैराग्राफ नंबर 1 में किसी को भी कोई डाउट? इस यहाँ तक सब क्लियर है सबको? चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड सिंस नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. अगर डाउट है तो यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैसेज में क्या लिखा गया है, लेट्स सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट पैसेज. लार्ज कंस्ट्रक्शंस हैज बीन डिफिकल्ट टू मैनेज इन इंडिया. मतलब इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन करना जो है वो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. द सेक्टर हैज सिस्टमैटिकली लॉक्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन कार्विंग आउट स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ इटसेल्फ इन द एनवायरनमेंट क्लीयरेंस प्रोसेस. मतलब कि वो जो एरिया था जहां से वो 14,000 ट्रीज काटे जा रहे थे वो उस सेक्टर को बिलोंग करता है जहां पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ठीक है, जो एनवायरमेंटल के एक रूल्स होते हैं, कहां पर आपको वेजिटेशन छोड़ देना है, कहां पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, कहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कहां पे आपकी कंस्ट्रक्शन करने पे बिल्डिंग जो है वो स्टेबल रहेगी, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंटल रूल्स में आती हैं, कंस्ट्रक्शन रूल्स में आती हैं. तो एनवायरमेंटल रूल्स में वो जो एरिया था वो एनवायरमेंटल क्लीयरेंस प्रोसेस से गुजर चुका था और वो बहुत ही हाई लेवल पे था. मतलब एनवायरमेंटल रूल के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा एरिया था. ठीक है, एनवायरमेंटल वेजिटेशन जो ग्रीन वेजिटेशन जो होनी चाहिए थी लोगों के लिए यूजफुल रहे, वो एरिया से वो बिलोंग करता था जहाँ पे वो 14,000 ट्रीज काटे जाने थे. फ्रॉम 2006 मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टेड ऑफ डिटेल असाइनमेंट रिपोर्ट. 2006 से, ठीक है, 2006 से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे नहीं, उनके डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे चुना जा रहा है. इसका मतलब कि सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया है इससे आप कंस्ट्रक्शन वहां पर अप्रूवल नहीं ले सकते हैं. आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट देना होगा कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगेगा, कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, कितने दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन, कितना मैनुअल लेबर लगेगा, कितने दिन तक वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कुछ अगर रोड वोड जाम हो रहा है या फिर कोई भी एरिया जो कि ब्लॉक्ड रहेगा आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ये कंस्ट्रक्शन अगर कर लिया तो इस कंस्ट्रक्शन से आपके पब्लिक को कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें आपकी डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट में आती है. तो फ्रॉम 2006 आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो अप्रूवल है, वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे नहीं, डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, इन 2014 स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वर एक्सेप्शन फ्रॉम टेकिंग एनवायरमेंटल क्लीयरेंसेस एज लॉन्ग एज दे फॉलोड स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर. मतलब 2014 में जितने भी स्कूल कॉलेजेस और हॉस्टल्स थे, क्योंकि एजुकेशनल बेसिस पे और एजुकेशनल ग्राउंड की वजह से वहां पर इंस्टीट्यूशन को उनको इतना प्रिविलेज मिला गया था, दिया गया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उनको तुरंत मिल जाता था. ठीक है, लाइक इफ यू गो एंड स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कॉलेज और स्कूल और हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स, उनके लिए आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ती थी. उनको अगर वो स्पेसिफाइड सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स थे जो अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको कोई भी क्लियरेंस में, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, इन 2016 प्रोजेक्ट्स विद एरियाज इन लेस देन 20,000 स्क्वायर मीटर वाज परमिटेड टू वर परमिटेड टू प्रोसीड एज लॉन्ग एज दे सबमिटेड अ सेल्फ डिक्लेरेशन इंश्योरेंस इंश्योरिंग एडहेरेंस टू एनवायरमेंटल नॉर्म्स.
2016 में जो जहां पर भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, अगर वो 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर आता है, वो एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर है, तो अगर आपको आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब अगर आप खुद से ये डिक्लेयर करके देते हो, लिख के देखते हो कि आप एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो हैं, एनवायरमेंटल रूल्स जो हैं, उनको फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर परमिशन जो है मिल जाएगा आराम से कंस्ट्रक्शन करने का। अगर आप वहां पर बोल देते हो या लिख के दे देते हो कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो भी हैं, रूल्स जो भी हैं, वो हम फॉलो करेंगे, तो वहां पर आपको अलाउंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रिविलेजेस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू अर्बन एरिया एंड नॉइस पोल्यूशन। अगर मेरी आवाज कट रही है या नहीं समझ में आ रही है, सो यू कैन टेल मी, ठीक है, बता देना मुझे अगर कोई भी आवाज में आपको इशू आएगी तो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप मुझे बता सकते। तो एज अ रिजल्ट, मतलब ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि आपको क्लियरेंस जो है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की वजह से 2016 में अगर आपका असेसमेंट जो है, असेसमेंट रिपोर्ट अच्छा है, आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, या फिर आप वहां पर 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से परमिट लेना बहुत आसान हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब कंस्ट्रक्शन का परमिट आसानी से मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रिविलेज जो है, मतलब इसकी इसका एडवांटेज जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बहुत ज्यादा उठाया और बहुत ज्यादा एरिया में, ठीक है, उन्होंने नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही, लेकिन वहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है अर्बन एरिया में बना दिए, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर हो रहा है सिटीज में, ठीक है, और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन टेकन अप इन व्यू ऑफ ट्रीज फेल्ड बाय प्रोजेक्ट्स इन अ फेलियर ड्यू टू प्योर सर्वाइवल रेट्स ऑफ सैपलिंग्स एंड नो मॉनिटरिंग। मतलब कंपनसेशन के तौर पर उन्हें ये कहा गया कि आप इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसके कंपनसेशन के तौर पे आप क्या करिए, आप बहुत सारा ट्रीज आप वहां पर लगा सकते हैं। तो ट्रीज आप लगा रहे हैं, ये चीज आपने बोला कि हाँ मैं ट्रीज लगा दूंगा, लेकिन सिर्फ ट्रीज लगा देने से नहीं होता है, वहां पर मॉनिटर नहीं करोगे। अगर आप छोटे पेड़ लगा रहे हो, पौधे लगा रहे हो, या फिर आप बीज बो रहे हो, तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनका सही से सही एरिया में, उनका सही सॉइल में, सही फर्टिलाइजेशन के थ्रू उनका एक प्रोसीजर होता है जिससे वो पेड़ उगते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होने के कारण, क्या चीजें नहीं होने के कारण, सर्वाइवल जो है आपका, मॉनिटर जो है, मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। सैपलिंग को अगर लगाया जा रहा है या बीज बोए जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से नहीं रखा जा रहा है, जिनकी वजह से ट्रीज जो है वो नहीं उग रहे हैं अच्छे से। Yet all regulatory bodies treat large construction with the kid gloves. मतलब यहाँ पर ये जो last line लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि construction इतना ज्यादा हो रहा है, पेड़ जो है वो नहीं उगाए जा पा रहे हैं यहाँ पर नई जगह पर, दूसरी जगह पर compensation जहाँ पर किया जा रहा है afforestation करने के लिए, compensatory afforestation करने के लिए उन्होंने try किया, लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यानी कि जो अथॉरिटीज हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, ट्रीज नहीं उग पा रहे हैं, उनका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। देवर ट्रीटिंग विद किड ग्लव्स, किड ग्लव्स मतलब वो बच्चों की बात छोड़ के, या मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे ज्यादा। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही हुआ कि वो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। Now there is any doubt in question, आपका second paragraph में अगर किसी का doubt है तो you can ask. Ma'am, kid gloves means? Kid gloves मतलब वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो मतलब जैसे आप बच्चों को ignore कर देते हैं कई बार अगर वो बदमाशी करते हैं, तो उसी तरह इन सारी चीजों को, construction बढ़ रहा था और पेड़ जो है नहीं लगा पा रहे थे, इन सारी चीजों को authority पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। यस मैम, ये जो लास्ट लाइन था, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन टेकन अप इन, यहाँ पे लीव ऑफ ट्रीज है, वो लीव का मतलब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, वन मिनट, गिव मी अ मिनट,
ठीक है, यहाँ पर आपको व्यू का मतलब समझना है। देखो पूरा लाइन का मतलब ये है, ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है आपके आप जब पढ़ते हो और आपको स्पेसिफिक किसी एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो उसका मतलब समझने का कोशिश कर सकते हो उस लाइन के अकॉर्डिंगली। इस लाइन में क्या लिखा गया है कि कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन टेकन प्लेस ऑफ द लीव ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो कंपनी के थ्रू यहाँ पर शेयर जो भी मतलब जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्यों करने के बजाय उनको ये बोला गया कि आप इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको पेड़ भी लगाने हैं, तो उन्होंने ट्राई तो किया पेड़ लगाने का, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, मॉनिटर अच्छे से नहीं किया, उनका सॉइल अच्छे से चेक नहीं करवाया कि यहाँ पे ये पेड़ उग सकता है या नहीं उग सकता है। तो ये सारी रीजन से ये जो प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट था जहाँ पर आपको ट्री लगाना था, वो डूब गया। ठीक है, ल्यू का मतलब होता है द कंपनी इशूड एडिशनल शेयर्स टू शेयर होल्डर इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड इंस्टेड। अच्छा, ल्यू का मतलब यहाँ पर इंस्टेड लिखा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर रेगुलेशन पे ध्यान, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने ध्यान देने के बजाय इन सभी चीजों को इग्नोर किया, ठीक है, और उनपे बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर पुअर सर्वाइवल रेट यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जो छोटे छोटे पौधे उन्होंने लगाने की कोशिश की और जो बीज बोने की कोशिश की उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था, उनका एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, उनको एक्चुअल में कंपल्सरी करना था यहाँ पर पेड़ लगाकर कंपल्सेशन देना था, लेकिन यहाँ पर पेड़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इससे यस नीरज, क्या डाउट है बच्चे आपको? मैम ये सेकेंड पैराग्राफ के सेवेंथ लाइन के लास्ट में अडहेरेंस लिखा हुआ है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? वन मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ है? यस, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू एनवायरमेंटल नॉर्म, मतलब कि जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे एनवायरमेंट आपको बचाने के लिए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंट को भी बचाना है, तो ये जो नॉर्म्स थे ये उनको बोला गया था कि आप फॉलो अप अगर कर लेते हैं उसके साथ में, एडहेरेंस मतलब उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके साथ में आपको एनवायरमेंटल नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दे रहे हैं तो आपको परमिट मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन करने का। एनीवन एल्स? ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कोई भी डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो लास्ट पैसेज, लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है आपका, वहां पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, पढ़ते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट हैज स्टेटेड दैट दिस पब्लिक कैंपेन इज मिसइंफॉर्म्ड। इसका मतलब कि जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो कैंपेन है इसे मिस इन्फॉर्म्ड कहा। मिस इन्फॉर्म्ड मतलब उन्हें जानकारी नहीं है अच्छी, मतलब जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर जो भी यहाँ पर जो सैपलिंग्स हैं, ठीक है, जो ट्रीज हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा कि ये उनको पता नहीं है सही इन्फॉर्मेशन क्या है। हम गवर्नमेंट हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हमें पता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो जो प्रोटेस्ट है, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्हें उस पब्लिक कैंपेन को इन्होंने मिस इन्फॉर्म्ड कहा। मिस इन्फॉर्म्ड मतलब उनके पास जानकारी नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। But this is far from the truth. मतलब ये जो राइटर है यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, ये स्टेटमेंट सच्चाई से बहुत दूर है। ठीक है, इन अ लिटरेट अर्बन सोसाइटी दैट हैज हाई एक्सेस ऑफ द इंटरनेट, द लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और अर्बन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख रहा है राइटर कि ऐसे अर्बन एरिया में जहाँ पर लोग जो हैं, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है। लिटरेट का मतलब कि उनके पास नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, जो एक्चुअल नॉलेज चाहिए होती है ये सारी डाटा फाउंड आउट करने के लिए, वो उनके पास नहीं है। और उनके पास हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, ठीक है, उनके पास हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या होता है कि देखो कोई ऑफिशियल बॉडी जो है वो जब डालता है कोई इंफॉर्मेशन, तो वहां पर भी बहुत परसेंटेज ऑफ गारंटी नहीं रहता है कि वो इंफॉर्मेशन
करेक्ट ही है. तो अगर आपके पास राइट राइट सोर्स नहीं है, ठीक है, इंटरनेट जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरनेट का सोर्स जो है आपके पास इंफॉर्मेशन लेने का वो सिर्फ इंटरनेट है, तो यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो जाता है. मतलब जो ऑफिशियल बॉडी है, ठीक है, जहाँ पर मतलब मान लीजिए अगर कोई वेबसाइट बनाई भी है ऑफिस जो गवर्नमेंट है, वहां पर भी गारंटी नहीं है कि वो लोग सही डाटा डाल रहे अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है. क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है? इम्पैक्ट मतलब असर होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है. क्या इम्पैक्ट करता है? कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंस, मतलब पब्लिक को ये लोग साइलेंस कर देते हैं. झूठा मोटा जो भी वेबसाइट है उनका, उस पर गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल के वो लोग पब्लिक को दिखा देते हैं कि नहीं हमने इतने पेड़ लगाए. अब वो पेड़ तो उन्होंने सैपलिंग्स तो लगाए ही हैं, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर. ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें ये चीज बताई गई है कि सैपलिंग्स तो वो लोग लगा रहे हैं लेकिन वो सैपलिंग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ना उनको एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, ना ही उनके पास साइलेंसिंग मतलब चुप होना. बच्चे, साइलेंस मतलब चुप होना. तो यहाँ पर साइलेंसिंग का मतलब वहां पर उनको इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है कि हमने मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उसने किया, ठीक है, और उसके बाद कह दिया कि हमने 1000 सैपलिंग्स लगाए. तो 1000 सैपलिंग में से कितने सैपलिंग्स एक्चुअल में पेड़ बने, राइट? वो सैपलिंग्स जो हैं, वो छोटे पौधे जो हैं, वो कितने ज्यादा कितने सारे पेड़ एक्चुअल में बने हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन सही किसी के भी पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है. तो इफ यू जस्ट पुट दैट डाटा ऑन द इंटरनेट, तो लोगों को ये एक्चुअल में नहीं इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या एक्चुअल में हुआ उन 1000 पौधों का जो लगाया गया. तो इस वजह से जो है वो लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन अधूरी रहती है. उनको तो लग रहा है कि 1000 यहाँ पर सैपलिंग्स, नॉर्म्स मतलब नॉर्मल रूल्स. बच्चे, नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स का मतलब होता है नॉर्मल रूल्स या नॉर्मल बिहेवियर. ओके, तो यहाँ पर लोग जो है वो शांत हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे उनके मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत है. दे आर जस्ट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट टू मच. देर इज नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, देर आर नो पब्लिक हियरिंग्स हेल्ड फॉर अर्बन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट्स अज्यूम दैट सिटीजंस हैव नथिंग टू से अबाउट देम. मतलब क्योंकि पब्लिक हियरिंग नहीं है, यानी कि पब्लिक जो है वो कुछ भी हल्ला नहीं कर रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या अज्यूम कर लेती है, गवर्नमेंट क्या सोचती है कि यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है एंड वी कैन मूव ऑन टू कीप द कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. ठीक है, सिंस दिल्ली इज रूल्ड बाय सो मेनी एजेंसीज, यू कैन रन फ्रॉम द पिलर्स टू पोस्ट एंड स्टिल नॉट हैव अ क्लू अबाउट हु इज इन चार्ज ऑफ व्हाट. दिल्ली जो है, क्योंकि हमारा सेंट्रल सिटी है, ठीक है, दिल्ली जो है हमारा कैपिटल सिटी है, वहां पर बहुत सारी एजेंसीज है जहां पर जिसपे काम बांटा गया है. ठीक है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर पूरी तरह हक है, ना ही वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरह वहां पर हक है, जिसकी वजह से यहां पर अथॉरिटेटिव पोजीशन जो है श्योरिटी नहीं होने के कारण बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत सारे जो प्लानिंग्स हैं, अगर आप कंप्लेन फाइल करते भी हैं तो किसको कंप्लेन फाइल करनी है, कौन सी एजेंसी कौन सा कंप्लेंट यहाँ पर हैंडल करेगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का कौन हैंडल करेगा, एनवायरनमेंट का कौन हैंडल करेगा, दिस द अथॉरिटीज इज नॉट क्लियर. ठीक है, हु इज इन चार्ज ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा, या फिर अगर वो लोग बताएंगे भी तो जो अथॉरिटी है वो किसी और पे इल्जाम डाल देगा कि अरे हमने तो किया था, ये लोग ने नहीं किया. ठीक है, दैट मीन्स द इन चार्ज और द अथॉरिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट क्लियर इन द स्टेट. ठीक है, द रेजिडेंट्स आर now appealing to the government to embrace inclusive ways of redesigning the city. The governments can join hands by committing the views to review those projects. अब जो residents हैं, residents मतलब जो रहने वाले हैं दिल्ली के, residents ने क्या किया, government को appeal किया. ठीक है, government को appeal किया कि वो inclusive way of redesign. Inclusive मतलब embrace करने का मतलब होता है कि जिसको आप मतलब इम्प्रेस करने का मतलब होता है जिसको आप खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, जिसके पास आपको कोई डाउट नहीं है, जिसके लिए उस तो इम्प्रेस का मतलब होता है जिसको आप अच्छे से
एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब, इंक्लूसिव मतलब गिने चुने आपने जो रूल्स हैं वो किसी के लिए भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो है अगर स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही अलाउ कर देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। नहीं, उनके लिए भी वही रूल फॉलो होगा जो रूल किसी के घर बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होंगे, और रीडिजाइनिंग अगर करना है सिटी का तो स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करके ही रीडिजाइनिंग होगा, और गवर्नमेंट जो है वो रिव्यूज लेते रहे, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी यहाँ पर अफॉरेस्टेशन का अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं, तो उनपे भी रिव्यू लेते रहे कि वो पेड़ उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट वहाँ पर सराउंडिंग जो है वो फर्टिलाइज नहीं है तो उन सैपलिंग्स को शिफ्ट किया जाए इससे पहले कि वो मर जाए। ये सारा रिव्यू जो है वो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली लेते रहे, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में किसी को भी कोई डाउट स्पेसिफिक? Do you have any specific doubts in para third? Third para mein kisi ko bhi koi doubt nahi hai? See, if you are not having any doubt, I will just... I'll just show you the questions now. चलिए ठीक है, नहीं डाउट है तो मैं क्वेश्चन को कर रही हूँ। आई होप एवरीवन हैज द कॉम्प्रिहेंशन विद देमसेल्फ फॉर रेफरिंग बैक, ठीक है। बाद में देखने के लिए आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं शेयर करती हूँ क्वेश्चन ताकि सबको दिखाई दे अच्छे से, स्क्रीन आपको जूम ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द क्लेम that compulsory afforestation had been a failure. Question का पहले मतलब समझिए, question का मतलब ये है कि इन तीनों statement में से, question यहाँ जो तीन statement given है, इन तीनों statement में से कौन सा statement ऐसा है जो आपको बता रहा है, ठीक है, strengthen the claim मतलब कि वो इस बात को पक्का कर रहा है कि कि आपका जो afforestation का compulsory afforestation है, मतलब कंस्ट्रक्शन के बदले जो आपको अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाने के लिए बोला गया है, ये प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर या फेल हो गया है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर वन, सैपलिंग्स प्लांटेड हैव पुअर सर्वाइवल रेट, मतलब जो सैपलिंग्स जो पौधे लगाए गए हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। स्टेटमेंट नंबर टू, देर इज इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ द अफॉरेस्टेशन डन, मतलब जो सैपलिंग्स लगाए गए हैं, जो पौधे लगाए गए हैं उनको अच्छी तरह मॉनिटर नहीं किया जा रहा, उनका देखभाल नहीं किया जा रहा है। स्टेटमेंट थ्री, द फंड्स प्रोवाइडेड आर एडिक्वेट टू कवर द एरिया एज वेल एज लुक आफ्टर देम, मतलब जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, वो इनफ नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। Okay, I can see a lot of students answering the question. That is very good. यहाँ पे बहुत ज़्यादा attendance है, मेरे पास at least 100 student के आने चाहिए यहाँ पर answer. समझा दिया पूरा अच्छे से passage मैंने. 22 student already answer कर चुके हैं. Rest of the students also answer. पांच options हैं आपके पास, पांच options में से एक choose करना है. First one, A option only third, यानी statement three सिर्फ correct है. B, only first and third, first or second, third statement correct hai. C, first or second statement correct hai. D, second or third statement correct hai. Aur E, sare statement correct hai. Yes, keep on answering, that is all right. Jisko bhi answer karna hai, jaise bhi answer karna hai, aap answer karte rahiye. Mere paas approx 50 student, I believe 50-60 student have answered. जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए, तब फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इसको जल्दी से। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ पांच क्वेश्चंस हैं, पैसेज अच्छे से समझ गए हैं, सबको आंसर करना होना चाहिए।
ओके सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दूं जो कि एक्चुअल में आपके पैसेज में एग्जैक्टली सिमिलर लाइन में लिखा ही हुआ था कि अफॉरेस्टेशन कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन क्यों फेल हुआ था, बिकॉज सैम्पलिंग के प्लांटेड सैम्पलिंग जो प्लांट किए गए थे उनके सर्वाइवल रेट बहुत कम थे और उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था. सो दीज टू स्टेटमेंट्स are the one who are supporting that the afforestation is a failure, and this is the correct answer for your question number one. Yes, kisi ne hand raise kiya tha bachche, koi doubt hai ya fir aap answer batane ke liye hand raise kiye the? Ma'am, answer send kar diye kam chat mein. Haan, theek hai, koi baat nahi. And answer aapka yahi hai, answer number C is first question ka. C is the correct option. क्योंकि आपके स्टेटमेंट में वहां पर लिखा हुआ है, पैसेज में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अफॉरेस्टेशन का अगर फेलियर हुआ है तो उसका रीजन है कि सर्वाइवल रेट बहुत खराब है और उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू स्ट्रेंथन द क्लेम दैट द लार्ज कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैव मैनेज्ड टू गेट इटसेल्फ स्पेशल प्रिविलेजेस when it comes to environmental norms of the country. मतलब यहाँ पर ये statement कौन सा है जो आपको बता रहा है कि कुछ construction sector जो है वहां पर privileges यानी कि कुछ advantage मिलता है आपको construction यहाँ पर environmental norms follow जब करना होता है तो वहां पर कुछ लोगों को छूट दी जाती है. privilege मतलब कुछ लोगों को छूट दी जाती है, ये environmental law अगर आप follow नहीं कर रहे हैं then कुछ लोगों को छूट दे दी जाती है, कोई बात नहीं कर रहा है तो चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रिक्ट रखा जाता है. तो वहां पर क्या सेक्टर्स हैं, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट जो है क्या क्लेम कर रहा है. स्टेटमेंट नंबर वन इज द प्रोजेक्ट आर रीडिजाइंड. वन मिनट, यहाँ पर मुझे पहले स्टेटमेंट देखने दीजिए. आंसर तो मुझे आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार आंसर मेरे पास हैं. Anyone else who would like to answer, you can keep answering. I'm just explaining this for those students who don't understand. So the projects were designed by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs and approved by Cabinet, Union Cabinet in 2017. 2017 में जो Union Cabinet है उन्होंने मिलकर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को जो डिजाइन प्रोजेक्ट करने के लिए अप्रूव किया था, इस वजह से आपको यहाँ पर प्रिविलेज मिल रहे हैं. द प्रोजेक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड स्मार्ट एंड ग्रीन डिस्पाइट देयर इकोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज हाई वाटर यूसेज एंड ट्री लॉस. जो प्रोजेक्ट हैं उनको स्मार्ट और ग्रीन टाइटल दे दिया गया है, लेकिन वहां पर जो उनको नहीं देखा गया है. कौन से फैक्ट्स कि वहां पर वाटर यूसेज बहुत ज्यादा है और जो पेड़ हैं उनको बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं जिनका कंपनसेशन नहीं भरा जा रहा है. स्टेटमेंट थ्री, अबाउट फाइव प्रोजेक्ट्स हैव बीन गिवन एनवायरमेंटल क्लियरेंस आफ्टर दे वर क्लियर्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. पांच ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्लियरेंस दे दी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है यहाँ पर. उस वजह से ये स्टेटमेंट आपका बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन में सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में कहीं पर कुछ ना कुछ एडवांटेज कुछ लोगों को मिलता है. ओके, सो यहाँ पर यू हैव फाइव ऑप्शंस. दैट इज ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, ओनली सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, एंड ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, और जो ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ द अदर. मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50 आंसर्स आ चुके हैं अभी तक जितना तक मैं एक्सप्लेन कर रही थी. इफ यू वांट टू आंसर यू कैन कंटिन्यू आंसरिंग. आई विल गिव यू वन मोर मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन. एक मिनट और दे रही हूँ ताकि बाकी जो स्टूडेंट है जो आंसर करना चाहते हैं वो कर पाए.
यस ट्राई एंड आंसर फास्टर, ठीक है, थोड़ा और देरी से आंसर करने का कोशिश करिए जितने भी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे उनका 70 आंसर आ चुके हैं, कुछ देर और रुक जाते हैं जितना बाकी बच्चे आंसर कर पाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर. यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत हार्ड है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका जो पैसेज है वो बहुत आसानी से एक बार में आप समझ जा रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा. अगर पैसेज समझने में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन आसान होंगे. ठीक है, ओके, सो लेट मी टेल यू दिस. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, ठीक है, उनको प्रिविलेज दिया जाता है, यानी कि उनको एडवांटेज दिया जाता है, उनको छूट दी जाती है जब एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने की बारी आती है. ठीक है, जब एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करना होता है तो उन्हें छूट दे दी जाती है. ओके, सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो प्रोजेक्ट था उसे यूनियन कैबिनेट ने 2017 में अप्रूव किया था. तो यहाँ पर किस टाइप का प्रोजेक्ट था आपको नहीं पता है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड स्मार्ट एंड ग्रीन, मतलब जो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उन्हें स्मार्ट और ग्रीन प्रोजेक्ट कह दिया गया है, सिर्फ नाम लगा दिया गया है, बजाय इसके चेक करने के कि उन्होंने एक्चुअली एनवायरमेंट के रूल फॉलो किए हैं या नहीं. क्योंकि वहां पर हाई यूसेज ऑफ वाटर, वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पानी का, और पेड़ बहुत सारे लॉस हो रहे हैं. सो दिस कुड बी अ स्टेटमेंट दैट कैन बी यू कैन से सपोर्टिंग द अबव स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट जो है, अबाउट 5 प्रोजेक्ट्स हैव बीन गिवन एनवायरमेंटल क्लीयरेंस आफ्टर दे वर क्लीयर्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लीयरेंस दे दिया है तो उसके बाद उनको एनवायरमेंटल क्लीयरेंस मिल गया है. यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा जा रहा है कि उनको गलत तरीके से क्लीयरेंस मिले. ओके, तो इस वजह से यहाँ पर आई बिलीव ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉलोइंग अप विद द स्टेटमेंट. यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं उनको प्रिविलेज दिया जाता है एनवायरमेंटल लॉन्स के लिए, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट फॉलो अप कर रहा है. तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी, सॉरी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जिसने सही किया वेरी गुड, अगर नहीं सही किया है तो भी कोई बात नहीं, गलती होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, दो तीन बार में आप लोग सीख जाएंगे कैसे आंसर करना है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंस. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंस का क्या मतलब हुआ. पहला स्टेटमेंट, लैक ऑफ ओपन एक्सेस टू इंटरनेट, मतलब ओपन एक्सेस मतलब आसानी से सारा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाए, सही सही इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाए, ये नहीं हो रहा है. ठीक है, लैक मतलब नहीं होना. सेकेंड स्टेटमेंट, लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मतलब सही जानकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए वो नहीं आ रही. थर्ड, actively misinforming the public with blatant lies and false reports. मतलब public को गलत information देके झूठ बोल के. Unmute रहिए, अगर आपको कोई doubt है, कोई question है तो hand raise कर दो, मैं यहाँ पर allow कर दूँगी आपको unmute करने का. Otherwise बिना मतलब कि आप लोग unmute मत किया करिए. Is there specific doubt, Gaurav? अगर कोई specific doubt है तो बता दो, otherwise mute रहो, noise नहीं create करो class में. तो third statement ये कह रहा है कि public को गलत report और झूठे चीज बताकर उनको inform, misinform किया जा रहा है. ठीक है, हर बार. So you have, again, you have 5 options. Only first statement is correct. Only first or third statement is correct. Only second statement is correct. Only second and third statement is correct or none of the above.
जो भी स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है, जो सपोर्ट कर रहा है आपका, जो मतलब बता रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वाला जो फ्रेज है, ये फ्रेज का मीनिंग आपको लिटरल यानी कि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ, आपका जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको उसी से आंसर करने हैं। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब आपको यहाँ पर आंसर करना है कि पैसेज में इसका क्या मीनिंग है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अदर्स टू आंसर, यहाँ पर मेरे पास 50 अप्रॉक्स आंसर्स हैं, रेस्ट ऑफ यू कैन आंसर एट द एंड, बाकी जो स्टूडेंट है वो भी आंसर कर सकते हैं। ओके सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम मोर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आंसर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा गया है, तो पैसेज में क्या लिखा गया है कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छे से है, लेकिन आपके पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। और ऑब्वियस ही बात है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होने का कारण क्या है कि आपके पास रिपोर्ट्स जो है वो गलत रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, लाइज बोले जा रहे हैं खुलेआम, इसी वजह से आपको यहाँ पर पब्लिक कुछ भी हल्ला नहीं करती है। सो द आंसर वुड, यहाँ पर जो स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर मीनिंग बता रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का, तो ये सेकंड और थर्ड है, ठीक है, और ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है। यस पंकज, कोई डाउट है स्पेसिफिक? नो मैम, वो गलती से टच हो गया था मैं। हाँ ठीक है, कोई बात, चलिए तो यहाँ पर डाउट नहीं है अगर, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आंसर आपका डी है, सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है। देखो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि ऑफिशियल्स जो हैं वो रिपोर्ट सही नहीं डाल रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है, और सही नहीं डाल रहे हैं तो मतलब क्या डाल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट थर्ड अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब सेकेंड ऑलरेडी करेक्ट है, और अगर सेकंड बोल रहे हो तो इसका मतलब थर्ड ऑलरेडी करेक्ट है। इंटरनेट तो आपके पास अपना है, यू आर पेइंग फॉर द इंटरनेट, तो इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है आपके पास, ठीक है। ओके हाँ, थर्ड का आंसर आपका डी होगा, दैट इज स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग डिस्कस्ड इन द लाइन However, the project reports overlay those qualities. ये स्टेटमेंट आपका पैसेज से निकाला गया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। However, the project reports overlay these qualities. कौन सी क्वालिटीज हैं जो यहाँ पर बढ़कर बताई गई है, ओवरलुक मतलब जिनको ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए द एंथुसियाज्म ऑफ पीपल टू सेव देयर एनवायरमेंट, ऑप्शन बी द लेड बैक अप्रोच ऑफ द जुडिशरी, ऑप्शन सी द डिस्ट्रक्शन एंड नॉइस पोल्यूशन अकॉम्पनिंग द प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरमेंट एंड फॉर पीपल, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। जहां पर ये स्टेटमेंट था, पैसेज खोल के देखो वहां पर क्या लिखा गया है, ये स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया गया है वहां पर, अकॉर्डिंग वहां पर आंसर आपको मिल जाना चाहिए बहुत आराम से। ओके, चार पांच आंसर मेरे पास आ रहे हैं। यस, बहुत अच्छे। तो जो भी आंसर आपको पता चल रहा है, पैसेज में अगर कोई डाउट हो रहा है कि कैसा आंसर दे रहे हैं, पैसेज खोल के एक बार पढ़ लीजिए ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा गया था, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिए। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 4 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी इसको आंसर कर दीजिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। फटाफट फटाफट आंसर करिए इसको।
चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी आंसर आ चुका है, जब तक समझा रही हूँ तब तक आप भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पैसेज है उसमें ये चीज स्पेसिफिकली लिखी गई थी कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन जो है आप अगर वहाँ पर लिख के दे रहे हैं कि आप इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करेंगे, आप अगर 20,000 मीटर स्क्वायर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप अगर कॉलेज स्कूल या हॉस्टल बना रहे हैं, या फिर आप जो है रिपोर्ट अच्छी तैयार करके ला रहे हैं, तो आपको अलाउंस मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन आपने कंपनसेशन के हिसाब से जो आपको पेड़ लगाने चाहिए थे वो पेड़ जो है उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, और उनका जो फर्टिलाइजेशन जहाँ पर उगाने की कोशिश की जा रही है वो अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन है उसके साथ साथ जो फॉरेस्टेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज को हटा कर, ये सारी चीजों को मतलब ओवरलुक करके, मतलब ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने फिर भी कंस्ट्रक्शन को फेवर किया। तो इसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको ओवरलुक किया गया है? क्वालिटी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एनवायरनमेंट फॉर पीपल, पेड़ पौधों को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो पेड़ हैं जो काटे जा रहे हैं, ठीक है, और जो नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, ये सारे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर यस आंसर जो है फोर्थ का डी होगा, ठीक है। यहाँ पर किस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं? क्वालिटी ये कि पेड़ पौधे जो है उनकी इम्पोर्टेंस नहीं हम समझ पा रहे हैं, और उनका हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा अगर वेजिटेशन पूरी खत्म हो जाए, तो इस चीज को हम इस क्वालिटी को इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है। एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर फोर? क्वेश्चन नंबर फोर में किसी को कोई भी डाउट? प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ अननेसेसरीली। Question number 5 is your last question. Which of the following is or are true as per the passage? मतलब ये तीनों statement में से passage के accordingly कौन सा सही है? The project mentioned have been postponed indefinitely after public protest. Statement 2, from 2016, Moon's construction has been approved based on the application instead of detailed assessment report. Option 3, multiple agencies in charge are creating a lot of confusion. So according to passage, आपको बताना है कि कौन सा statement correct है. Again, यहाँ पर 5 options हैं. फटाफट options के answer करिए, तब तक मैं आपको attendance लेती हूँ. मैं यहाँ पर attendance ले रही हूँ, आपको 1 minute मुझे screen दिखाने दीजिए, otherwise फिर आप लोग को problem होगी. Yes. Yes, keep on answering. I'm taking your attendance till the time mere paas answer acche khase aa jane chahiye. And I can see there are few students who are not answering even one question. Bina participate kiye aap yahan par nahi baith sakte ho. Theek hai, communication ki class hai, you have to be participated. And keep yourself muted. Mute rahiye sab koi, otherwise fir yahan par attendance mein aapka naam nahi aayega. Yes, I can see there are a lot of students who are not participating or answering the questions. Answer क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे आप लोग? Yes, one last time I'm again reminding you, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है लास्ट टाइम बता देती हूँ मैं आप लोग सबको, अगर क्लास में किसी ने भी डिस्प्ले नेम में अपना रोल नंबर आईडी नंबर नहीं लिखा तो अटेंडेंस आपका नहीं लगेगा। ऑल्सो अगर आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, वीडियो डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके,
चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसेज के अकॉर्डिंगली मेंशन है कि 2006 में जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे उनको एप्लीकेशन के बेसिस पे अप्रूव किया जा रहा था और मल्टीपल एजेंसीज, यानी कि क्योंकि वहाँ पर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी तरह चलता है ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, इस वजह से वहाँ पर दिल्ली में अथॉरिटीज वहाँ पर कंफ्यूज करती हैं जनता को कि कौन से लोग कौन सी चीज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एंड थर्ड इज योर राइट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एनी डाउट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? ये मेरे ख्याल से आपको पैसेज से आसानी से मिल गया होगा इसका आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, ठीक है, पैसेज है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कभी कभी क्लास में करते रहेंगे, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, अगर कोई इशू है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द क्लास। कोई प्रॉब्लम है किसी को? थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।